हाय दोस्तों। हाँ आप लोगों ने बहुत से मोबाइल ऐप्स देखे होंगे जो कि प्रोटेक्टेड है, जिसमें लोगों ने क्या होता है कि लॉकर लगाया होता है, ऐप लॉक लगाया होता है, तो आप उसकी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते हो। ये वीडियो जो बनाई गई है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं हम लोग। फर्स्टली मैंने एक प्ले स्टोर ओपन करा और यहाँ पे एक मैंने ऐप लॉक लिखा था, सैमसंग ऐप लॉक, तो मेरे को ये पसंद नहीं है, मैंने ये वाला इंस्टॉल कर लिया। इसको मैंने ओपन करा, सारे इसमें ऐप की लगाई, मेरे को जो चाहिए था एक्चुअल में ये ऑन हो रहा है, पेड वर्जन बता रहा है लेकिन हम फ्री में यूज़ करेंगे, जस्ट इन चीज़ों का कर दिया हमने। देखो ऐप प्रोटेक्शन में मैंने एक लॉक लगा लिया सिंपल सा, मेरे बोल रहा है कि ऐड दिखाएगा मेरे को, कैसे हुआ ये, स्किप करा हमने इसको, काट दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे दो चीज़ों पे लॉक लगाया, फर्स्ट एक गैलरी और दूसरा गया है और माय फाइल पे। मैंने इससे जो लगाया ये चेक कर लिया, जैसे ये अनलॉक हो गया ये लॉक हो गया। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, फाइल गैलरी में ढूंढा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल मैनेजर, ये देखो उसे पासवर्ड मांग रहा है ये चीज़, यहाँ पे ओपन करा, पासवर्ड पे बोला। अब मैं इनको दिखाता हूँ, मैंने सारी चीज़ें क्लोज कर दी, मैं अगेन ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको लगे, सॉरी पासवर्ड मांग रहा है ये, जैसे कि आप देख सकते हो। चलो मैं आपको इसको एक्सेस करने का तरीका बताता हूँ। इवन मैं अगर मैं गैलरी के साथ ट्राई करूँ तो यही चीज़ होगा, गैलरी में भी, गैलरी ओपन करा, लॉक लगा हुआ है। चलो मैं इसको एक्सेस करने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपने करना है गूगल क्रोम ओपन करना है, मैंने कुछ भी बला बला सर्च कर रखा था। चलो मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ लिखना है फाइल FILE, देखिए ऊपर में भी आ रहा है मेरे, फाइल डबल डॉट डबल स्लैश। अगर आप डबल स्लैश डालते हो तो इसका मतलब है ये इंटरनेट से सर्च करेगा, और अगर एक से लेस और डालते हो तो ये आपके गैलरी से सर्च करेगा, मतलब आपके डिवाइस पे लोकल डिस्क में ये चेक करता है। तो SD कार्ड क्या होता है यहाँ पे, माई फोन वगैरह नहीं लिखना है, SD कार्ड ही लिखना है यहाँ पे। ये देखो मैंने जैसे ही इस पे लिखा मेरे पास ये सारी इंटरनल चीज़ें इसने खोल दी, यहाँ पे फाइल एक्सेस SD कार्ड, सर्च मारा सारी चीज़ें आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने किस किस पे आपको लॉक लिखाया था, फर्स्टली मेरा फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर जो कि ओपन हो चुका है मेरा, ये सारा फाइल मैनेजर है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ गैलरी, DCIM को हम गैलरी कहते हैं, तो मैं इसको जूम करता हूँ और मैंने यहाँ क्लिक करा, क्लिक करा फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कैमरा या फेसबुक, जिस ऐप में आप जाके जो चीज़ देखना चाहते हो वो आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी इसमें से ये सारी JPEGs जो हैं फोटोज़ वगैरह है, तो मैंने ओपन करा, मेरे पास ये स्क्रीन पे फोटोज़ आ गई। फिर मैंने बैक करा, मैंने ये ओपन करा, मेरे पास फोटोज़ आ रही है। ठीक है, तो ये बस ये चीज़ होती है, बस ये एक छोटी सी ट्रिक होती है जो कि हम बिना किसी ऐप को ओपन किए या किसी का पासवर्ड जाने हम किसी की भी गैलरी से कोई फ़ोटो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जस्ट वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, मैं आगे भी ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।